This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Syed Ali Chabutra near Shah Hotel. असलम नाजरीन आप सब का इस्तकबाल करती हूँ एटीन तेलंगाना न्यूज़ के खास खबरनामे पर आइए देखते हैं आज मंडे सत्रह मई का खास खबरनामा तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस केसेस कम हुए हैं ये 20 घंटे का लॉकडाउन फायदेमंद रहा है तेलंगाना रियासत में 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था 12 मई से और आज लॉकडाउन का छठवा दिन है और चार दिन बाकी है इस लॉकडाउन को मुकम्मल होने ये 10 दिन का लॉकडाउन मई की इक्कीस तारीख तक मुकम्मल हो जाएगा और बाईस मई के दिन तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं इस ताल्लुक से कैबिनेट मीटिंग की जाएगी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के सी की निगरानी में 20 मई को बताया जा रहा है कि हुकूमत लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के इरादे में नहीं है मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की कड़ी नज़र है लॉकडाउन के दौरान और राहत के दौरान कोरोना केसेस में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी करे चीफ जस्टिस ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को अब तैयार हो जाना चाहिए कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने अगर हुकूमत सोते रहेगी तो हालात और बदतर हो सकते हैं साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस टेस्टिंग की गिनती एक लाख से नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि तेलंगाना रियासत में रोजाना पचास हजार ही टेस्टिंग की जा रही है जबकि एक लाख कोरोना टेस्ट होना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि बिना डॉक्टर्स की निगरानी में कोविड-19 किट्स के स्टीरोड्स ना फरहाम करे और कोर्ट ने ये भी कहा कि मूकोर माइकोसिस या ब्लैक फंगस के पेशेंट्स का इलाज करे और उन पर कड़ी नजर रखे तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो हॉस्पिटल ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ में काम करने अलग से टास्क फोर्स की टीम बनाया जाए और इन तमाम हॉस्पिटल्स पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए अगर जो भी पेशेंट्स को शिकायत है हॉस्पिटल के खिलाफ वो टास्क फोर्स टीम को शिकायत कर सकते हैं हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को ये भी कहा कि हॉस्पिटल्स को ज्यादा पैसे चार्ज करने से रोकने हुकूमत जी ऐलान करे जिसमें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के फिक्स प्राइस रखा जाए तेलंगाना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हेमा कोहली ने तीनों कमिश्नरेट के कमिश्नर्स को शाबाशी दी हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस और रचा गुड्डा कमिश्नर पुलिस महेश भगवत आईपीएस और साइबराबाद कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार आई ये तीनों ईद के दिन पूरी जद्दोजहद से लॉकडाउन को अमलावारी बनाए और इसीलिए ये लॉकडाउन ईद के दिन कामयाब रहा रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के एस एन मूर्ति जो गब्बर सिंह के नाम से जाने जाते थे वो कोरोना से मुतासर थे और संडे के दिन यानी कल इंतकाल कर गए उनकी पहले पोस्टिंग ए सी पी चार के तौर पर हुई थी फिर उनका ट्रांसफ़र सिटी टास्क फोर्स के तौर पर हुआ था और उन्हें एस पी के अहदे पर प्रमोट किया गया था वो डी सी पी टास्क फोर्स डी सी पी साउथ जोन के तौर पर ख़िदमत अंजाम दिए करोना से मुतासर इंडिया के स्टेट्स के हालातों को देखते हुए तेलंगाना के हालात को देखते हुए कहा गया कि दिगर कोरोना से मुतासर स्टेट्स के मुकाबले तेलंगाना रियासत में बहुत ही अच्छे से हालात संभाले जा रहे हैं और तेलंगाना को बेटर रैंक दिया गया और पड़ोसी रियासत जैसे आंध्र प्रदेश को पोर रैंक दिया गया कोरोना वायरस से मुतासर होने पर शिवा ने अपने आप को आइसोलेट करने एक झाड़ पर बिस्तर बनाकर ग्यारह दिन के लिए रहा है शिवा अट्ठारह साल का है ट्राइबल हैमलेट तेलंगाना से है और वो कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव पाया गया था जिसके बाद उसके घर में कोई जगह नहीं थी आइसोलेशन के लिए तो वो ग्यारह दिन के लिए एक झाड़ पर बेड बनाकर रहने लगा जैसे ही ये बात की इतला मिली दो दिन के बाद उसे आइसोलेशन सेंटर शिफ्ट किया गया ऐसे ही हर अहम खबरों के लिए एटीन तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ब्यूरो रिपोर्ट ए एटीन तेलंगाना न्यूज़